दिल्ली यूनिवर्सिटी से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, DUSU अध्यक्ष के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई है। ABBP ने NSUI पर इल्जाम लगाया है। ABBP ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। NSUI ने DU के गुंडे पाल रखे हैं। ABBP का ये बयान भी सामने आया है। अहम जानकारी दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई। DUSU अध्यक्ष के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई है, जिसके बाद ABBP ने NSUI पर इसका इल्जाम लगाया। NSUI पर इल्जाम लगाया जा रहा है ABBP की ओर से कि ये तोड़फोड़ NSUI ने की है। NSUI ने DU में गुंडे पाल रखे हैं। ABBP का ये बयान भी सामने आया है। इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है और इस मामले में तफ्तीश की जाएगी कि आखिर इतनी तोड़फोड़ किसने की है। DUSU अध्यक्ष के दफ्तर में ये तोड़फोड़ हुई है और इसका पूरा इल्जाम ABBP की ओर से इस वक्त NSUI पर लगाया जा रहा है। बड़ा इल्जाम लगाया गया NSUI ने DU में गुंडे पाल रखे हैं। ये बयान ABBP की तरफ से इस वक्त जारी किया गया है। NSUI ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर गुंडे पाल रखे हैं। NSUI के जो वाइस प्रेसिडेंट अभी दहिया जीते थे, उनके ऑफिस में कल देर रात बैठकर दारू पी गई। दारू पीने के बाद 30-40 लोग, पहले हमारे DUSU के जो जॉइंट सेक्रेटरी है उनके कमरे का शीशा तोड़ा, उसके बाद जो हमारी DUSU की सेक्रेटरी है उनके कमरे का शीशा तोड़ा, और उसके बाद वो मेरे ऑफिस में घुस गए। और मेरे ऑफिस में घुसने के बाद आप देख सकते हैं कि इधर राम मंदिर था, राम मंदिर को भी तोड़ा गया, जिससे साफ पता लगता है कि ये लोग कितने बड़े राम विरोधी हैं।